साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, आज का दिन तो बहुत ही गहमा गहमी से भरा हुआ रहा। सबकी नजरें अयोध्या में टिकी रही, लेकिन खबरें तो बहुत सारी थी, बहुत सारी जगहों से थी, मगर सबका जो एक कॉन्सेंट्रेशन था ना, वो अयोध्या से जुड़ा हुआ था। और इसीलिए आज की खबर अयोध्या से ही जुड़ी हुई, जहां की तस्वीरें देखकर इस देश के करोड़ों, जी हां करोड़ों लोग बिल्कुल गदगद थे, भाव विह्वल थे। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों के हौसले एकदम टूट रहे थे। जैसे कहते ना, छंद से जो टूटे कोई सपना, वैसे ही सपना टूट रहा था। और उसमें कई सारी कहानियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो बताना बड़ा जरूरी है। अयोध्या में जो घटनाएं हो रही थी, उससे एक व्यक्ति जो इस देश के सबसे तथाकथित ईमानदार शख्स हैं, अरविंद केजरीवाल, उनका जो सपना, आज वो विपश्यना से भी लौटे हैं और एकदम से, मतलब जैसे वज्रपात कहते हैं ना, वो वज्रपात कुछ कहानियों के साथ आपको मैं दिखाऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों, अयोध्या पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने कई मास्टर स्ट्रोक चले, ऐसे मास्टर स्ट्रोक जिसके बारे में इंडी अलायंस के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कुछ बयान, कुछ बाइट आपने टुकड़ों में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन जिस चीजों का एक महत्व होता है ना, खासा महत्व, जिसका असर पड़ता है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। अब इसमें क्या कुछ हुआ, ये सारी चीजें तो दिखाने की है ही, लेकिन एकदम एक नई तस्वीर शायद अभी तक आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसी तस्वीर जो आपको छू लेगी। प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या गए, तो वहां पर बच्चों को देख करके वो रुक गए, और उसके बाद बच्चों के बीच गए, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। ये तस्वीर पहले आप देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा, और तब आगे की बात शुरू करते हैं। पहले आपको ये वीडियो। तुम भी खेलते हो क्या? देख रहे हैं ना दोस्तों, ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री उतर गए और मिल गए। आप उस भावनाओं को, उस भावना को पकड़ने का प्रयास कीजिए। ये जो लोग हैं ना, ये बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास हैं, और इनकी भावनाएं किस प्रकार से अयोध्या से जुड़ी हुई हैं। अयोध्या सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको आप भगवान राम की नगरी कह करके और बाकी चीजें भूल जाएं। यहां विकास की जो गंगा बह रही है ना, उसका भी ये प्रतीक बन रहा है। शायद लोगों को एहसास नहीं होगा कि 2-3 साल में ही इतना बड़ा विकास कार्य। लेकिन मैं आपको दोस्तों, विपश्यना से लौटते ही केजरीवाल को क्यों झटका लगा वो आपको बताऊं। उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी के कुछ बयान, बहुत ही सिलेक्टिव बयान, आप पूरा भाषण तो सुन नहीं सकते क्योंकि वो काफी बड़ा है, लेकिन मैं आपको कुछ छोटे हिस्सों में बयान सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आने वाला 22 जनवरी जो है, वो कितना बड़ा उत्सव का रूप लेने वाला। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया है, आप इंतजार कीजिए, एक नई दीपावली हम सब के बीच मनने वाली है, हम सब मनाने वाले हैं। और उस समय क्या मतलब देश की चहल पहल होगी, उसका आकलन करना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का देशवासियों के नाम एक आग्रह, जो हम सबको सुनना चाहिए, एक बार सुनिए। 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं, 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है,
हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। सुन लिया आपने दोस्तों, प्रधानमंत्री का आग्रह 22 जनवरी को हम सभी अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं, और हम सब शामिल होंगे। वो तो पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह पर पूरा देश चल पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों कि जब ऐसे मौके आते हैं ना उत्सव के, तो फिर उसमें खलल डालने वाले भी जरूर कहीं ना कहीं छिपे होते हैं, जिनकी मंशा खराब होती है। और ये तो आपको पता है ना कि ऐसे लोग बड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, वो कहीं भी किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ मौका निकालकर इस उत्सव के माहौल में विघ्न डालने का काम करेंगे। और इसीलिए बहुत सारी परिस्थितियां हैं, इसी माहौल को देखते हुए दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने एक आग्रह अयोध्या के लोगों से भी किया है, सबसे किया है बल्कि, कि 22 जनवरी को और उसके बाद जब पूरी दुनिया अयोध्या पहुंचेगी, तब हम लोगों का रोल क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सामान्य रूप से दूसरे प्रधानमंत्री में ये होता नहीं है कि वो आपको बताएं या आपको हमें गाइड करें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये भी काम किया, और इसीलिए वो बयान भी सुनना बहुत जरूरी है। एक बार सुनिए दोस्तों। आज मेरा एक आग्रह मेरे अयोध्या के भाई बहनों से, आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के लिए तैयार होना है। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे, लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं, अपनी अपनी सुविधा से आएंगे, कोई एक साल में आएगा, दो साल में आएगा, दस साल में आएगा, लेकिन लाखों लोग आएंगे। और ये सिलसिला अब अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इसलिए अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है, और ये संकल्प है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। सुन लिया ना आपने दोस्तों, तो ये भी बहुत जरूरी है।
लेकिन मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं दोस्तों, उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना जरूरी है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचे तो एक प्रकार से रोड शो जैसा माहौल बन गया, रोड शो किया उन्होंने, और इस दौरान लोग मतलब भारी तादाद में सड़क के दोनों ओर लोग मौजूद थे, खड़े थे एक क्षण देखने के लिए। और उसी में एक तस्वीर अभी आपको मैंने दिखाई, लेकिन इन तस्वीरों में एक ऐसी तस्वीर जिसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आप साथ में ये तस्वीर भी देखते चले जाइए। ये जो सज्जन फूल लेकर के फेंक रहे हैं ना, ये जानते हैं कौन है? इकबाल अंसारी। बड़े ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। पहले दो दो तस्वीरें मेरे पास, दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक फ्रंट से है और एक पीछे से लिया हुआ तस्वीर, ली हुई तस्वीर है, आप देख लीजिए। और इकबाल अंसारी को देख करके लोगों के होश उड़ गए। इकबाल अंसारी जानते हैं कौन है? इकबाल अंसारी वो शख्स हैं दोस्तों जो पक्षकार थे राम मंदिर अयोध्या में बने, लेकिन एक दूसरा पक्ष था जो कह रहा था यहां तो बाबरी मस्जिद है। तो वो जो दूसरा पक्ष था वो पक्षकार इकबाल अंसारी। आप सोचिए इतनी बड़ी घटना, किसी को हवा भी नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी पर फूल बरसाने वालों में इकबाल अंसारी भी होंगे। कल्पना करना मुश्किल है। बहुत सारी तस्वीरें आती है ना, मैं तो कहूंगा कि इसका कोई अच्छा मुझे फोटो नहीं मिला, इसको तो मड़वा करके हर घर में भेजना चाहिए कि देख लीजिए कैसे लोगों की सोच बदलती है। ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती ला करके इकबाल अंसारी को यहाँ खड़ा कर दिया गया होगा, ये तो भावना है दोस्तों। इन्होंने देखा कि किस प्रकार से अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। ये धर्म का मामला सिर्फ नहीं है, ये विश्वास और आस्था के साथ साथ उन्नति की राह कैसे खुलती है उसका भी प्रतीक है। और इसीलिए ये वीडियो जिस किसी ने देखा होश उड़ गए, उसको समझ ही में नहीं आया कि मोदी की रैली में इकबाल अंसारी फूल बरसाएं। आप सोचिए। और इसीलिए दोस्तों ये कहानी वाकई बहुत बड़ी है, और जब भी राम मंदिर का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें तो ये सज्जन रहेंगे ही, लेकिन जब राम मंदिर बनने का इतिहास लिखा जाएगा तब भी ये कहानी सामने आएगी कि किस प्रकार से इसने स्वीकार किया। लेकिन जो बात इकबाल अंसारी स्वीकार कर रहे हैं वो हमारे नेता सीखने को तैयार ही नहीं है। आप सोचिए, मैं तो संजय राउत का बयान सुना, वो बोल रहे भगवान राम को चुनाव में खड़ा कर। अरे भाई, इकबाल अंसारी के चुनाव में खड़ा होने के लिए यहां फूल माला डाल रहे थे? शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान से। और अब मैं आपको जो केजरीवाल के बारे में कह रहा था ना, उनका एक ट्वीट दिखाता हूं। आज जनाब विपश्यना से, दिल्ली को तो वैसे ही नरक में छोड़ रखा है जनाब ने। अब देखिए, 10 दिन की विपश्यना साधना के बाद आज वापस लौटा। इस साधना से असीम शांति मिलती है, नई ऊर्जा के साथ साथ आज से फिर जनता की सेवा में लगेंगे, सबका मंगल हो। आप सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल जरा सा काम नहीं, हर वक्त दिल्ली वालों को अधर में छोड़ करके ये जनाब पहुंच जाते हैं। हर वक्त कोई काम नहीं है, और काम क्या होता लोगों के पास? बस कभी पर्चा बंटवाते हैं, कभी सर्वे करते हैं फर्जी, कभी दूसरे राज्यों में पहुंच जाते हैं, कभी चुनाव प्रचार, लेकिन दिल्ली वालों के लिए इतना सा भी समय नहीं है। और आप देखिएगा, इस लोकसभा चुनाव में भी इनकी सेहत में कोई बदलाव नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन यहां तो कहानी अयोध्या की बता रहा हूं ना आपको। क्यों मैंने इनको जोड़ा, जरा अब मैं आपको दिखाता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा इनकी एक बाइट। ये जनाब राम मंदिर ना बन सके, राम मंदिर के मामले में चीजें आगे ना बढ़ सके, ये जनाब अपनी नानी को लपेट कर ले आए थे और नानी की कहानी सुनाते थे। जी हाँ, और इसीलिए ये बयान मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, सुन लीजिए। बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश होंगे, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर।
सुन लिया ना आपने क्या कह रहे हैं। और इनकी पार्टियों का तो पूरा इतिहास है दोस्तों, ये एंटी हिंदू लोग हैं। जिस तरीके से राम मंदिर को रोकने की कोशिश की नानी की झूठी कहानी बनाकर, अब आप सोचिए कह रहे हैं मेरी नानी कहती थी ना बेटा ना, किसी टूटे हुए मस्जिद में राम नहीं बस सकते। अरे भाई, उस मस्जिद का जो सबसे बड़ा पक्षकार था वो फूल बरसा रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको जा करके देखना चाहिए। वो तो गनीमत है कि आज ये विपश्यना से लौट आए। असीम शांति, शांति तो तब थी जब आप नहीं थे, अब देखिएगा अशांति कैसे फैलेगी। लोग भले ही घुटने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जनाब अब देखिएगा, आप दिल्ली की सारी घटनाओं को देख लीजिए ना। तो ये एक कहानी है। अभी मैं आपको अयोध्या की कहानी बताऊं दोस्तों, उससे पहले एक और कहानी आपको दिखा देता हूं। आप ये रिपोर्ट देखिए, मैंने आज ही की रिपोर्ट है, देख के मैंने कहा ये भी केजरीवाल के लिए बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम देश हुए फेल, पीएम मोदी खत्म करवा सकते हैं इसराइल फिलिस्तीन की जंग, बोले इमाम बुखारी। यह आज तक की खबर है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने शुक्रवार को कहा कि मुस्लिम देश इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष में अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतरे हैं। अहमद बुखारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसराइल पर राजनयिक दबाव डालने और युद्ध को खत्म करवाने का आग्रह किया। अब आप सोचिए, इमाम बुखारी साहिब जामा मस्जिद, बताइए कांग्रेस को छोड़ करके, केजरीवाल को छोड़ करके ये प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह कर रहे हैं। मतलब एक तरफ इकबाल अंसारी और दूसरी तरफ इमाम बुखारी। अब ये देख करके केजरीवाल की क्या हालत होती होगी, ये देख करके कांग्रेसियों की क्या हालत होती होगी, तो चिढ़ जाएंगे। ये तो इनको तो धर्म में सिर्फ राजनीति नजर आती है ना, इनको धर्म जो है वो आत्मा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। और इसीलिए ये खबर आपको दिखाया कि इन लोगों के लिए तो मैंने काटो तो खून नहीं, ये स्थिति पैदा हो गई दोस्तों। और इसीलिए मैंने ये बताने का प्रयास किया। लेकिन आपको मैं अयोध्या में ही लेकर आता हूं, प्रधानमंत्री मोदी पर। और जो लोग प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से जैसे 2019 में किया, जैसे 2014 में किया, जैसे वाजपेयी जी के समय करते थे कि धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते थे, आज भी वही कर रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि इनके नीचे की जमीन खिसक चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ विरासत की बात नहीं करते, विरासत में विकास की जो खुशबू दिखती है ना, फैलती है ना, वो कल्पना से बाहर है, ये तो सोच भी नहीं सकते। अगर आपके घर, मोहल्ले, शहर, राज्य कहीं कोई विकास का काम हो रहा हो तो आप देखिएगा कि एक पुल बनने में, एक रोड बनने में कितने साल लग जाते हैं। यहां तो पूरे शहर का कायाकल्प ही कर दिया है। और इसीलिए ये बयान आपको छांट करके बहुत ही छोटा हिस्सा निकाला है कि वो कहते क्या है और क्या क्या हुआ है। कि लोगों को अगर पक्का घर दे रहे हैं तो रामलला को भी पक्का घर दे रहे हैं, और ये उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है, रामलला के, ये भी प्रधानमंत्री बोलते हैं। बयान सुनिए। दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे, आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है।
सुन लिया ना आपने दोस्तों, एक एक शब्द पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक समर्थक होता है या समर्थन करना चाहता है, जरूरी थोड़ी है कि हम कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, एक आम नागरिक। वैसे तो मैं एक बात जब ये कह रहा हूं तो ये भी बता दूं कि ये लेफ्ट लिबरल गैंग ने ये कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि जो पत्रकार होते हैं वो सत्ता के विरोध ही बोलेंगे। अरे भाई, सत्ता के विरोध क्यों बोलेंगे? जो अच्छा होगा वही बोलेंगे। हम नक्सली थोड़ी हैं कि हम सत्ता के विरोधी बोलेंगे। भाई अगर अच्छा होगा तो अच्छा बोलेंगे, खराब होगा तो खराब बोलेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो भी लोग प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं उनके लिए इन शब्दों को पकड़ना बड़ा जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब आध्यात्मिक शहर का पुनर्जागरण होता है तो क्या होता है। एक बयान सुनाता हूं, वो भी सुनिए। आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवध क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपयों के विकास कार्य करा रही है, अयोध्या को स्मार्ट बना रही है। आज अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, नए फुटपाथ बन रहे हैं, आज अयोध्या में नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। अयोध्या को आसपास के जिलों से जोड़ने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है। सुन लिया ना आपने दोस्तों, मैं जानबूझकर छोटी छोटी बाइट काट करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको होलिस्टिक तरीके से समझ में आए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज अयोध्या में क्या किया। और इसके साथ ही आज एक और महत्वपूर्ण काम किया दोस्तों, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो गया और उसका नाम जानते हैं किसके नाम पर? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। और महर्षि वाल्मीकि भी हमारे लिए उतने ही पूज्य हैं, लेकिन इसमें एक और कहानी छिपी है, बहुत बड़ी राजनीति भी है कि जो लोग इस देश में जो निचले पायदान पर खड़ा समाज है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें सम्मान के साथ अपने दिल में बसाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और सब है भी ऐसा है नहीं कि नहीं है, लेकिन जो काम कोशिश कर रहे हैं ना उनको एक करारा जवाब है। तो यह बयान भी सुनिए, इस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। आज मुझे अयोध्या धाम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने हमें रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया। सुन लिया ना दोस्तों, आज एक और बड़ी खबर है। जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में गुजर रहे थे तो अचानक एक परिवार के पास पहुंच गए, फिर अचानक खबर आने लगी कि वो निषाद परिवार के पास पहुंचे हैं, उनको न्योता दिया है और तमाम कहानियां। चलिए अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने बताया उसके बारे में फिर एक नई कहानी सामने आई कि यह सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, यह विकास का भी मामला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म के नाम पर आप किसी को किसी के वोट को बटोर लें, बल्कि यह परिवार 10 करोड़वीं, जी हां 10 करोड़वीं उज्ज्वला गैस जो योजना है, कनेक्शन है, उसकी लाभार्थी है। बड़ा मतलब
जिसे कहते हैं ना कि एकदम आनंदित कर देने वाली खबर, ये बयान भी सुनना जरूरी है। आप सुनिए। से कुछ देर पहले मुझे अयोध्या नगरी में ही एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन की 10 करोड़वीं लाभार्थी बहन के घर मुझे जाकर के चाय पीने का मौका मिला। जब 1 मई 2016 को हमने यूपी के बलिया से उज्ज्वला योजना शुरू की थी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये योजना सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचेगी। इस योजना ने करोड़ों परिवारों का, करोड़ों माताओं बहनों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया है। उन्हें लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाई है। सुन लिया आपने दोस्तों, ये भी एक कहानी है। और उसके बाद मैंने तलाशने की कोशिश की, मैंने देखा कि जिस परिवार के यहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे उसकी भावनाएं कैसी हैं, वो परिवार क्या कह रहा है। और उसके बाद मैंने देखा, और जो मैं तस्वीर अभी आपको दिखाऊंगा वो भी बड़े ध्यान से देखिएगा, ये परिवार कह रहा था हमें तो पता ही नहीं था। अगर ये पता होता कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो कुछ फूल माला तो लेकर रखते, उनको फूल माला तो पहनाते। और वो महिला मतलब इतनी खुशी बोल रही है कि ऐसा लगा हमारे घर भगवान आ गए। और सनातन संस्कृति में तो आप जानते हैं कि देवत्व की भी प्राप्ति होती है लोगों को। लेकिन चूंकि इस महिला के अंदर की जो जो एक ललक है ना, वो ललक बहुत सारी वजहों से, उसे पता है कि अयोध्या कैसे बदल रही है। जो राम राज्य की कल्पना है वो यही तो है कि हर कोई सुखी हो, मतलब खुशहाली भी आनी चाहिए ना। ऐसा नहीं हो सकता कि गरीबी रहे और परेशानी रहे। अब ये किस संदर्भ में कह रहा हूँ, अभी मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा राहुल गांधी की, फिर आपको समझ में आएगा। लेकिन आप इस महिला का बयान सुनिए और वो तस्वीर भी देखिए साथ के साथ, जो मैं आपको आगे कंपेयर करूंगा। सुन लीजिए। बैठे हैं, पहले मेरे बच्चे लोग से पूछे हैं, मैंने उनका हाथ जोड़ा, अच्छे से स्वागत किया मैंने उनको। फिर बोले क्या क्या लाभ मिला, मैंने कहा आवास का घर हमें मिला है और गैस मिल गया, पानी भी मिल रहा है फ्री, और क्या कहते हैं बहुत खुशी हो रही है। कल से हम गैस पे बना रहे थे, पहले भट्टी पे बनाते थे, बहुत खुशी हो रही है कि हाँ। तो बोले क्या बनाई हो, मैंने कहा दाल चावल बनाया, सब्जी बनाई है। तो बोले कि और कुछ, तो मैंने कहा कि चाय बनाई हूँ। तो बोले पिलाओ, ठंडी में चाय तो पिलाना चाहिए ना। तो मैंने उनको चाय पिलाई अपने हाथ से, बोले बहुत मीठी चाय है। मैंने कहा कि मेरे हाथ से मीठी बनती ही है। हाँ, पहले भट्टी पे बनाते थे, धुआं न लगेगा, थोड़ा टाइम जल्दी मिल जाएगा, बच्चे लोग को थोड़ा टाइम दे पाएंगे अच्छे से। हाँ, थोड़ा जल्दी बन जाएगा खाना जी। क्या आपको पता था कि पीएम मोदी आपके पास, आपके घर आने वाले हैं, या ये सरप्राइज था आपके लिए भी? जी नहीं, हमें नहीं पता था कि हाँ यहाँ आएंगे मेरे घर। हाँ, तो जब वो आए आपके घर में तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत, हम तो खुशी के मारे एकदम वो नहीं थे कि हमारे घर ऐसे भगवान पधार पड़ेंगे, हमको बहुत खुशी हुई। सुन लिया ना आपने दोस्तों, और ये तस्वीर आपने देखी, आपने ध्यान दिया, इस परिवार के पास अपना घर है, पक्का घर। इस परिवार के पास बिजली कनेक्शन है, इस परिवार के पास सारी सरकारी सुविधाएं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, बिजली है, सब कुछ है। गरीब तो है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन सम्मान के साथ सारी चीजें हासिल की हुई है और सरकार ने दी है। लेकिन अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जो बहुत वायरल हो रहा है। ये राहुल गांधी की तस्वीर देखिए बड़े ध्यान से और एहसास कीजिए। 10 साल तो इनकी भी सरकार थी, और 10 साल क्या दोस्तों, दशकों तक, अब सोचिए कई दशक, 60 साल की सरकार, और ये घरों तक बिजली नहीं पहुंचा पाए, पक्का घर नहीं दे पाए, खाने की व्यवस्था नहीं कर पाए।
और ये इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आप सोचिए। और ये तस्वीर इसीलिए वायरल है, आप बड़े ध्यान से देखिए, गैस कनेक्शन नहीं है, जो अमीर लोग होते थे ना उसके पास भी नहीं होता था, उसको भी सांसद से सिफारिश लगवानी पड़ती थी, ये तो गरीब है। बिजली नहीं है, माने उज्ज्वला गैस गैस कनेक्शन नहीं है, बिजली नहीं है, पक्का घर नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, और ये जनाब वहां खा करके गरीबी का व्याख्यान सीख रहे थे। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं ना दोस्तों, तो ऐसे ही लोगों का प्रेम मचलता नहीं है, वो भाव विह्वल ऐसे ही नहीं हो जाते, उसके पीछे उनका परिश्रम की पराकाष्ठा है, जिसमें वो हर व्यक्ति के लिए ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर उन्हें मनरेगा का पैसा मिल रहा है तो उस पैसे से वो अपना घर भी बना सकते हैं, पक्का मकान, घर में नल, नल में जल, शौचालय, बिजली, तमाम सुविधाएं। उसके बाद अगर आपके पास स्किल नहीं है तो स्किल करते हैं, उसके बाद आपको पैसा भी देते हैं, लोन भी देते हैं, और फिर आपको कहते हैं अब आप गरीबी रेखा से ऊपर हो। कांग्रेस ने कभी नहीं किया, और इसीलिए आज का वीडियो इस संदर्भ में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैंने ये प्रयास किया कि मैं आज अयोध्या में जो कुछ दिखा उसका एक विश्लेषण आपके सामने करूं, आपको समझ में आए कि ये कहानी सिर्फ वो कहानी नहीं है कि भगवान राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, सिर्फ वो नहीं है, ये जो कहानी है ना दोस्तों, कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, मैं बार बार कहता हूं, सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण। जब हम विश्व गुरु की अवधारणा की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम धर्म के मामले में आगे हों या संस्कृति के मामले, बल्कि समग्र रूप से हम आगे हों, जहां हर आदमी सुखी हो, खुशहाल हो, हर आदमी के पास ये ताकत हो कि वो सत्ता तक अपनी बात पहुंचा सके और वो सब कुछ बाकी लोगों की तरह हासिल कर सके, और यही आज के अयोध्या की कहानी में दिखाई पड़ती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको चूंकि पूरे वीडियो को चार्ट करके उसके कुछ हिस्से को दिखाना और उस पूरे संदर्भ को आपके सामने रखना ये बहुत ज़रूरी था। तो आज का वीडियो यहीं, चलिए अब कुछ संवाद करते हैं आपके साथ, सुजीत जी, उसके बाद रोहित जी, शिव जी, विजय जी, सबको जय श्री राम। मोदी जी जिंदाबाद, उमेश जी लिख रहे हैं, रोहित जी, शिव जी और विजय केसरी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगता है, धन्यवाद विजय जी। मोती सिंह, मोदी है तो संभव है, थैंक यू राजकुमार, वेरी नाइस, थैंक यू सर। विजय जी, भरत भूषण जी, जय श्री राम आपको भी। शिव कुमार पारिक, ये हिंदुओं की राम जी की आस्था को हल्के में लेते आ रहे हैं, बिल्कुल, बहुत सारे लोग, जय श्री राम सबको करता हूँ मैं, आप सभी के लिए धन्यवाद भी कह रहा हूँ मैं। अजीत जी, जय श्री राम। कुल मिलाकर दोस्तों आपकी भावनाएं भी वही हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आप सभी को जय श्री राम, और जो भी अच्छे कमेंट होंगे मैं पढ़ूंगा और आपकी बातों का भी ध्यान रखूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखिए, यूं ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कीजिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।